हरियाणा के फरीदाबाद जिले में 40 लाख की डकैती का मामला सामने आया है, जहां ओरिएंट इलेक्ट्रिक कंपनी के कर्मचारी को बंधक बनाकर हथियारबंद बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। सीसीटीवी में नकाब पहनकर घूमते दिखाई दे रहे ये सातिर बदमाश फरीदाबाद के सेक्टर 5 में डकैती करने आए थे। दरअसल इस कंपनी में ओरिएंट पंखा बनाने वाली कंपनी के मोटर और अन्य पार्ट्स बनाए जाते हैं। वहीं देर रात कुछ नकाबपोश बदमाश अपनी कंपनी में घुस आए। बदमाशों ने गार्ड्स के साथ मारपीट कर उन्हें बंधक बना लिया और तीनों गार्डों को कंपनी के बाथरूम में बंद कर दिया। बदमाश कंपनी से 30-40 लाख रुपए के कापर के तार लूट कर ले गए। वहीं लूट कर जब बदमाश चले गए तो गार्ड्स ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना के बाद घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर जांच शुरू कर दिया। कल रात में 1 बजे के आसपास हमारी कंपनी में कुछ बदमाश घुसे हैं और उन्होंने हमारे चौकीदारों को बंधक बनाया है, मार पिटाई करी है, उनको बांध के बाथरूम में बंद कर दिया। उसके बाद वे तो बंद रहे हैं, उसके बाद हमारी कंपनी में जितना कॉपर वायर था करीब 35-40 लाख के आसपास का, वो सारा भर के गाड़ी में यहाँ से भर के ले गए। मैं फ़ोन आया कि कंपनी में डकैती पड़ गई है, हमें बंधक बना रखे थे और अभी हम अंदर से निकले हैं, ट्रेन की आवाज़ आई है, अब जब अनाउंसमेंट हुआ है तो हम धीरे से खुल के एक आदमी अंदर बाहर आया है, किसी का मोबाइल लेकर उन्होंने उससे फ़ोन कराया मेरे पास। पुलिस कोऑपरेट कर रही है, सुबह क्राइम ब्रांच के भी तीन डिपार्टमेंट के आदमी आए थे यहाँ पे, SHO साहब वगैरह, पुलिस इंचार्ज, चौकी इंचार्ज सब आए यहाँ पे। सुबह से मैं गायन उसमें लगे हुए अपने इंक्वायरी में। फरीदाबाद से स्वरूप सिंह की रिपोर्ट।